नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीरो पॉइंट में। भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी होंगे 15 अगस्त को खास मेहमान, पीएम मोदी करेंगे लाल किले पर आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। भारतीय ओलंपिक दल को पीएम विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रण देंगे। पीएम उस समय सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। भारत का 228वां संसदीय दल ओलंपिक में भाग ले रहा है, जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल हैं। बता दें कि भारतीय ओलंपिक दल में पीवी सिंधु, मनु भाकर, एमसी मैरी कॉम, मीराबाई चानू, विनेश फोगट, दीपिका कुमार शामिल। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में फिर कोरोना के बढ़ते मामले और टीकाकरण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 18 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 4 हफ्तों में कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन 18 जिलों में देश के 47.5% कोविड मामले आ रहे हैं। केरल के 10 जिलों में पिछले एक हफ्ते से 40.6% कोरोना मामले आए हैं। 44 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना मामले की पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। ये जिले केरल, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हैं। 1 जून में 269 जिले ऐसे थे जहां 100 से अधिक मामले सामने आए थे, लेकिन अब ये 57 जिलों में आ गया है जहां देश में 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। CBSE 10वीं का रिजल्ट जारी, मगर 16,000 से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग। CBSE बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार 10वीं में 99.04% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। वहीं 57,824 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही 2,962 स्टूडेंट को 90 से 95% के बीच नंबर मिले हैं। 10वीं का रिजल्ट CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया गया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 10वीं में देश भर से करीब 20,97,128 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 20,76,957 ने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार 10वीं में 99.89% छात्र और 99.29% छात्राएं सफल घोषित की गई। रैपर हनी सिंह बुरे फंसे, पत्नी शालिनी तलवार ने दर्ज कराई घरेलू हिंसा का केस। बॉलीवुड सिंगर और एक्टर हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में गायक को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। हनी सिंह के खिलाफ ये याचिका दिल्ली की 30,000 कोर्ट में मजिस्ट्रेट सानिया सिंह के सामने मंगलवार को पेश किया गया है। अदालत ने हनी सिंह को नोटिस जारी कर 28 अगस्त से पहले जवाब फाइल करने को कहा है। नोटिस में दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी को न बेचने और स्त्री धन से छेड़छाड़ नहीं करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि शालिनी ने हनी सिंह पर यौन शोषण, घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगाए हैं। पापड़ी चाट कमेंट और पर्चा फैल, सांसदों पर बरसे पीएम मोदी, बताया संसद का अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी एक बार फिर से संसद की कार्रवाई ठप रहने के लिए विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने इसे संसद, संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने बैठक के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को भी अपमानजनक बताया है। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान कहा कि पापड़ी चाट बनाने वाला बयान अपमानजनक था। संसद में पर्चे फाड़ कर फेंकना और उसके लिए माफी तक नहीं मांगना अहंकार था। रिलीज से पहले ही बेल बटन को बड़ा झटका, 100 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी अक्षय की फिल्म। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर मंगलवार को लॉन्च हो गया है। फिल्म 19 अगस्त को रिलीज हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की है, उससे अक्षय कुमार और फिल्म के मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को जारी नई गाइडलाइन में साफ कर दिया कि अभी थिएटर्स खोलने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जबकि इससे पहले महाराष्ट्र में 50% सीट कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर को खोलने पर बात हुई थी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को देखते हुए बेल बॉटम को थिएटर्स में रिलीज करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब लगता है इस फिल्म से अक्षय कुमार, डायरेक्टर रंजीत तिवारी और प्रोड्यूसर पूजा फिल्म्स को करोड़ों का नुकसान उठाना होगा। पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार ने इंग्लैंड के लिए भरी उड़ान, दोनों खिलाड़ी इस दिन जुड़ेंगे टीम्स के साथ। मौजूदा समय में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर है। सूर्य कुमार और पृथ्वी शॉ ने कोलंबो से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर ली है।
दोनों बल्लेबाजों को 3 दिन पहले ही श्रीलंका से रवाना होना था, लेकिन वीजा से जुड़े दस्तावेज तैयार नहीं होने की वजह से उन्हें श्रीलंका में ही रुकना पड़ा। यादव और पृथ्वी शाह खिलाड़ियों को चोट, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर टेस्ट सीरीज की टीम में शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शाह सुबह तक इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। वहीं लंदन पहुंचने के बाद भी उन दोनों खिलाड़ियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करीब 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, जिसके बाद वो टेस्ट खेलने के लिए टीम में शामिल हो जाएंगे। सेंसेक्स ने लगाई 873 अंक की छलांग, निफ्टी पहली बार 16,000 अंक के पार। शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार उछाल आया है और BSE सेंसेक्स 873 अंक मजबूत होकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। NSE निफ्टी पहली बार 16,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। आर्थिक पुनरुद्धार की उम्मीद के साथ चौतरफा लेवारी से बाजार में तेजी आई है। शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों की संपत्ति 2.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। वहीं BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अब तक के उच्चतम स्तर 2,40,04,664.28 पर पहुंच गया है। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स में लगातार दूसरे दिन तेजी रही और ये 872.73 अंक यानी 1.65% की बढ़त के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर 53,823.36 अंक पर बंद हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 245.60 अंक यानी 1.55% उछल कर रिकॉर्ड 16,130.75 अंक पर बंद हुआ। भारत और चीन के बीच बनी 12वीं दौरे की बातचीत के बाद दोनों देश गोगड़ा हाइट से सेना हटाने को तैयार। भारत और चीन के मध्य सीमा पर पिछले साल से जारी सीमा विवाद को लेकर बात बनती नजर आ रही है। 12वीं दौर की बातचीत के बाद सैनिक को 17A पेट्रोल पॉइंट गोगड़ा हाइट से हटाने की सहमति बनी है। पूर्वी लद्दाख में स्थित इस पॉइंट को लेकर दोनों देशों के बीच पिछले साल मई से गतिरोध बना हुआ था। भारत और चीन के मध्य सीमा पर पिछले साल से जारी सीमा विवाद को लेकर बात बनती नजर आ रही है। 12वीं दौर की बातचीत के बाद दोनों के बीच अपने अपने सैनिकों को 17A पेट्रोल पॉइंट गोगड़ा हाइट से हटाने की सहमति बनी है। पूर्वी लद्दाख में स्थित इस पॉइंट को लेकर पिछले साल मई से गतिरोध बना हुआ था। आयकर रिटर्न, अंतिम तिथि के पहले ही करदाताओं पर लगा जुर्माना, जाने वजह। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 यानी आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तय की है। 30 सितंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं पर जुर्माना लगेगा, लेकिन अगस्त में भी करदाताओं पर जुर्माना लग गया। कई करदाताओं ने शिकायत की कि आयकर पोर्टल पिछले कुछ दिनों से रिटर्न दाखिल करने पर सेक्शन 234F के तहत लेट फीस चार्ज कर रहा है। ऐसे में करदाता सोशल मीडिया के जरिए आयकर विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि सर्वर से लेट फाइलिंग फीस को हटा लिया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि एक तकनीकी खामी हो सकती है और आयकर विभाग ने बढ़ी हुई डेडलाइन के साथ टैक्स फाइलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट न किया हो।